Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। कैनरा बैंक जो कि इस देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उन्होंने प्रोफेशनरी ऑफिसर्स यानी कि पीओ के लिए 800 वैकेंसीज रिलीज की हैं। इसकी ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम 23 दिसंबर को कंडक्ट होगी, यानी कि आज से एक महीने से ज्यादा टाइम है आपके पास कैनरा बैंक पीओ के लिए प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अगर आपको आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपको उसका डिटेल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको कैनरा बैंक पीओ के डिटेल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताएंगे, जिसमें हम आपको उस एग्जाम की सिलेबस, टॉपिक्स और वेटेज के बारे में भी वाकिफ कराएंगे। तो आइए बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कैनरा बैंक पीओ के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अब बात करते हैं कैनरा बैंक पीओ के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चंस पूछेंगे 50 मार्क्स के लिए। सिमिलरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन के लिए। इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए और जनरल अवेयरनेस सेक्शन से भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए। आपको कॉम्पोजिट टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का इन सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए। तो टोटल आपको 200 क्वेश्चंस होंगे फॉर 200 मार्क्स और आपको 2 घंटे का समय होगा। इसमें आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आप एक जवाब गलत देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैनरा बैंक पीओ के रीजनिंग के सिलेबस की। तो अरेंजमेंट एंड पैटर्न से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस जिसमें अल्फाबेट, नंबर, मिक्स सीरीज या डिक्शनरी ऑर्डर की अरेंजमेंट एंड पैटर्न आपको पूछी जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चंस जिसमें लेटर शिफ्टिंग, कोडिंग इन फिक्टिशियस लैंग्वेज, ऑपरेशन ऑन प्लेस वैल्यू या कोडिंग बाय एनालॉजी या कोडिंग बाय वर्ड्स पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो 2 क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन से जिसमें लेटर या मीनिंगलेस वर्ड्स बेस्ड, मीनिंगफुल वर्ड बेस्ड, नंबर बेस्ड या जनरल नॉलेज बेस्ड क्लासिफिकेशन होगा। इनइक्वालिटीज से 3 क्वेश्चन होंगे आपको जिसमें मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज या कोडेड इनइक्वालिटीज पूछे जाएंगे। सिलॉग्स की बात करें तो सिलॉजिज्म से 3 से 5 क्वेश्चन होंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मशीन इनपुट आउटपुट से 5 क्वेश्चन, डेटा सफिशियंसी से 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से आपको 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें जनरल ब्लड रिलेशन पूछे जाएंगे या फिर फैमिली ट्री या कोडेड ब्लड रिलेशन आ सकते हैं। एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग या वर्बल रीजनिंग की अगर बात करें तो 5 से 8 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, जिसमें आपको एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट एंड इन्फेरेंस, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन या क्रिटिकल रीजनिंग पूछा जाएगा। ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का डिफिकल्टी हो सकता है, इसमें टाइम आपका कम लगेगा, इसमें मॉडरेट एक्यूरेसी भी पॉसिबल है। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करें आप, जिसमें फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट होगी जिसमें पर्सन सिटिंग इन सिंगल रो या डबल रो होंगे, या तो ये सारे एक डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे इधर नॉर्थ या साउथ, या फिर दोनों डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ फेस कर रहे हो सकते हैं। इसमें या तो 1 वेरिएबल या प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट करने के लिए 2 वेरिएबल के क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें यूनि या बाई डायरेक्शन प्रॉब्लम्स ऑन सर्कुलर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर टेबल्स हो सकते हैं। शेड्यूलिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन शेड्यूलिंग से डेज, वीक्स, टाइमिंग या इयर्स की शेड्यूलिंग हो सकती है। डबल लाइनअप की बात करें तो 0 to 5 क्वेश्चन डबल लाइनअप से, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग से 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जल्दी चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की तरफ। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन से आपको 6 से 8 क्वेश्चन जिसमें बॉडमस रूल, अप्रोक्सीमेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, सर्ड्स एंड इंडाइसेस और परसेंटेज से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, एलसीएम, एचसीएफ, मिसिंग टर्म्स वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे। नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से भी हो सकते हैं। एल्जेब्रा की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन एल्जेब्रा से, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बिल्कुल पूछे जाएंगे और लीनियर इक्वेशन से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 10 क्वेश्चन होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से, जिसमें लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर ग्राफ ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको कॉम्बिनेशन करके डीआई भी पूछ सकते हैं और केसलेट डीआई के भी चांसेस हाई हैं। डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी से होंगे और एवरेज से आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। परसेंटेज की बात करें तो 2 क्वेश्चन परसेंटेज से होंगे जो कि कैलकुलेशन बेस्ड परसेंटेज के प्रॉब्लम आएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से कंपाउंड रेशियो, सिंपल रेशियो, कॉम्पोनेंटो, डिविडेंडो और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आएंगे 2 से 3। मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चंस होंगे, इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चंस,
प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो उसमें से तीन क्वेश्चंस पक्का आएंगे, जिसमें सक्सेसिव सेलिंग, पार्टनरशिप, डिसऑनेस्ट डीलिंग्स और डिस्काउंट्स के ऊपर क्वेश्चंस पक्का से पक्का आएंगे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के दो से तीन क्वेश्चंस होंगे, जिसमें रिलेटिव एंड एवरेज स्पीड, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। टाइम एंड वर्क की तरफ बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क से दो क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें वर्क इन एफिशिएंसी, वर्क इन वेजेस, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपको एक से दो क्वेश्चंस होंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक से दो क्वेश्चंस, और कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज से भी एक से दो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करें आप। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की। तो कैनरा बैंक पीओ में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको एक सेट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा, जो कि बैंकिंग एंड इकोनॉमी, बिजनेस या सोशल इश्यूज से रिलेटेड पैसेज होगा। ये आपको इन्फ्रेंस बेस्ड या फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फेज रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। इसमें आपको एक लंबा सेंटेंस दिया जाएगा, जिसमें से एक पार्ट आपका अंडरलाइंड या हाईलाइटेड होगा। आपको जो हाईलाइटेड पार्ट को है करेक्ट करना है या इम्प्रूव करना है दिए हुए ऑप्शंस के साथ। पैराजंबल्स की बात करें तो 5 क्वेश्चन पैराजंबल से आपको एक सेट दिया जाएगा 5 या 6 सेंटेंसेस का, जिसको इररेगुलरली अरेंज किया हुआ है। आपको इररेगुलरली अरेंज किए हुए इन 5 या 6 सेंटेंसेस को एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में अरेंज करना है और ऑड सेंटेंस को वहां से हटा देना है। क्लोज टेस्ट की अगर बात करें तो 5 से 10 क्वेश्चंस आपको क्लोज टेस्ट के आएंगे, जिसमें एक सिंगल पैसेज में आपको 5 से 10 ब्लैंक्स दिए जाएंगे और ऑप्शंस को देख करके ग्रामेटिकल रूल्स को लगाकर आपको वो पैसेज को भरना है। एरर स्पॉटिंग की बात करें तो एरर स्पॉटिंग से आपको 5 क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स से 5 क्वेश्चंस, फ्रेज इडियम मीनिंग से 5 क्वेश्चंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बात करते हैं जीके के सिलेबस की कैनरा बैंक पीओ के लिए। तो फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस से आपको 15 से 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको बैंकिंग एंड इकोनॉमी, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, नबार्ड, सिडबी जैसे इंस्टीट्यूशंस के आपको पावर्स एंड फंक्शंस याद करने होंगे, करेंसीज एंड कंट्रीज आपको याद करनी है, इंटरनेशनल ट्रेड एक्विजिशन एंड डील्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस ऑन एक्सचेंज रेट, रेपो रेट और बैंकिंग रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस में पूछेंगे। करंट अफेयर्स में आते हैं, करंट अफेयर्स से भी 10 से 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आएंगे, जिसमें आपको आपकी सराउंडिंग्स एंड एवरीडे इवेंट्स की नॉलेज टेस्ट की जाएगी, स्पेशली बैंकिंग एंड इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज भी आप ध्यान से देखें, बुक्स ऑन फेमस पर्सनैलिटीज, मर्जर्स ऑफ बैंक्स, गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज को भी ध्यान से पढ़ें। पिछले 4 महीने के करंट अफेयर्स की कैप्सूल को आपको पढ़ना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के आपको करंट अफेयर्स के कैप्सूल पढ़ने हैं। स्टैटिक जीके सेक्शन की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक से, जिसमें आपको इंडियन स्टेट्स और उनके कल्चर के बारे में, कंट्री करेंसी, नेशनल पार्क, एयरपोर्ट्स, स्टेडियम्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कैबिनेट रीशफलिंग, प्लेसेस इन न्यूज, रेगुलेटरी बॉडीज, हेडक्वार्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इस तरीके के टॉपिक्स आपको पूछेंगे। इकोनॉमी से 2 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें आप, जिसमें इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जीडीपी, जीएसटी, इस पर आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो ये था डिटेल्ड कैनरा बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की ऑनलाइन रिटन टेस्ट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसकी प्रेपरेशन टिप्स अगर आप चाहते हैं, सेक्शन वाइज प्रेपरेशन टिप्स फॉर जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या इंग्लिश, तो आप टेक्स्ट बुक ब्लॉग को रेफर करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।